दारन सामी, दारन सामी, हाँ दारन सामी, हाँ उसको यस जो पिशावर में वो दे रहे थे ना, हाँ। उसको चपली कबाब का होटल खुला के दे रहे थे। सरफराज हमने आपका एक कमर्शियल देखा है, अजीब बेतु के तरीके से नाच रहे थे, चौका 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 करके, क्या था वो? यकीन करें बड़े सगीर, हिंदो पाक में आज तक ऐसा है नहीं बना, बिल्कुल सही बात है, इतनी मुल्तान ने बना था। क्यूरियस जो जो लाइफ। लोग जो लोग मुश्किल हालात से निकल के आते हैं, जैसे कि आप, हाँ बफर जोन की खड्डे वाली गलियों में आपने क्रिकेट यकीन खेली, करें, आप ऐसे यकीन खड्डे कर, खड्डे 3 दफा तो मैं गटरों में गिरा हूँ। आपको पता है 92 में हमारा कजन खेलने वाला था पाकिस्तान की तरफ से, अच्छा हाँ। फिर फिर क्या, उसकी खाला भाग गई घर छोड़ के, यार सिल्वर ये आवाज सिल्वर ऊंची कर रहा है कोई चीज दो, आर्नल्ड मैं इसको बताऊं श्वार्ज़नेगर जरा, ये से। हमारे सामने हमारे शो में बैठ के आवाज अच्छा ऊंची कर रहा हूँ, जी स्टूडियो में लड़के बैठे हुए, खुदा की कसम नहीं पिटवाऊंगा, ये बता रहा हूँ। हेलो एंड वेलकम टू द शो, खातिन हजरात हशमत एंड सन्स के एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। ये हचमचन सन्स कहाँ से आ गया ताया? हाँ, माफ कीजिएगा, हशमत एंड सन्स हमारा ड्रामा है, असल में उसी के फ्लो में रहता हूँ तो मैं वो अनाउंस कर दिया। हम मौजूद हैं इस वक्त वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ आपके साथ, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद। 2007 का अंडर 19 का वर्ल्ड कप इनकी कप्तानी में जीते थे ऐसा इन्हें लगता है, जबकि हम जीते थे असल में अनवर अली की बॉलिंग की वजह से, जिन्होंने 5 आउट किए थे। जी हाँ, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच था, पाकिस्तान ने भी 109 रन बनाए थे और पाकिस्तान की टीम भी बैटिंग नहीं कर पाई थी, इस वजह से दूसरी टीम भी नहीं कर पाई और अनवर का स्विंग चल गया। इसके अलावा 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इन्हें लगता है कि इन्होंने जिताया, जबकि फखर जमान की बैटिंग और मोहम्मद आमिर की बॉलिंग की वजह से हम वो वर्ल्ड कप जीते। सब सब मतलब हम क्या तेल लेने आए थे क्या? तो तुमने क्या कर लिया था? ये तो कप्तानी की थी भाई, कप्तानी का होता है। कप्तानी में करना ही क्या होता है, बस जाके बताना होता है, खाली यहाँ खड़े हो जाओ तुम, वहां खड़े हो जाओ, वहां खड़े हो जाओ, तो इसमें तुम कर दोस्त। लेते ना। हाँ तो हम कर लेते, हमारी बारी नहीं लगी, तुम्हारी पर्ची लगी हुई थी, तुम्हारा चल रहा था उस अच्छा वक्त, भाई, रमेश राजा और आमिर सुहेल दोनों टीवी पे बोल रहे थे, उन्हें पता है बैकग्राउंड स्टोरी क्या, मुंह अच्छा नहीं खुलवाना मेरा सरफराज। अच्छा तो हाँ मैच के ऊपर बात कर हाँ लेंगे। नाजीन, आज का मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड, नीदरलैंड के एक और नाम है हॉलैंड भी कहा जाता है अक्सर जगहों पर, क्या वजह है कि ये नीदरलैंड और हॉलैंड अलग अलग नाम? इनका मैं भी काफी कंफ्यूज है, लेकिन इनका वही हिसाब किताब है जैसे हिंदुस्तान और भारत और इंडिया के, वो तीन है, इनके दो नाम है। हाँ नाजीन, क्रिकेट के अलावा घंटा मालूम नहीं है इनको, हॉलैंड जो है नीदरलैंड का सूबा है, इस वजह से हॉलैंड और सुबह नीदरलैंड में नहीं लोग है, कंफ्यूज होते हैं, क्या है फिर? इलाका है। हाँ इलाका है, इलाका सूबा ही कहेंगे ना वहां पर, अच्छा इलाके को अच्छा सूबा अच्छा कहते हैं। हाँ तो नाजीन, हम बता रहे थे आपको, आज हम बहुत एक्साइटेड थे, हमने समझा के साउथ अफ्रीका वन साइडेड ये मैच जीत जाएगा, लेकिन नेदरलैंड ने सरप्राइज कर दिया है। नेदरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 43 ओवर के अंदर 245 जैसा पहाड़ टोटल खड़ा कर दिया, और उसके सामने साउथ अफ्रीका की टीम, क्या समझते हैं आप साउथ अफ्रीका की टीम इतना कोलैप्स क्यों कर गई? मैं तो ये कहता हूँ कि ये बड़ा जो है मेरे लिए सरप्राइजिंग होता कि अगर साउथ अफ्रीका जीत जाता, बिकॉज दे आर जोकर चोकर्स, जोकर चोकर्स, जोकर, हाँ चोकर्स, चोकर हाँ जाते हैं, बीच में कुछ ऐसा ही है, हाँ तो वो उनकी आदत बनी हुई है। और यकीन करें आपको तो नेदरलैंड का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि पिछले वर्ल्ड कप में उन्होंने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था, तो आप जो है वो चौड़े में फाइनल खेल के आ गए थे, वरना आपने तो सेमीफाइनल में तो आप पहुंचते ही नहीं, पूरी जगह बना दी थी तो आपने सेमीफाइनल खेल लिया था। और ये मैं हमारी खुशकिस्मती है कि पहला मैच हमारा नेदरलैंड से हो गया था, तो वो भी थोड़े लड़के थके हुए थे, ट्रैवल करके आए हुए थे, इस वजह से हम जीत गए, वरना वो ये भी हमें लपेट देते। बिल्कुल ठीक कहा आपने, नेदरलैंड की आज की परफॉर्मेंस देखने के बाद, हाँ मुझे लगता है अगर हमारी टीम इन्हें फेस करने जाती तो पहले ही हार मान चुके होते। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे तो डर लगा पड़ा है अफगानिस्तान वाले मैच से, जिस दिन हमारा अफगानिस्तान के साथ मैच होगा उस दिन क्या होगा? उस दिन तो मैं बस क्या बोलूं, बस खैर हम बात करते हैं इस वक्त, इस वक्त खेल रहे हैं जेनसन, जेनसन खेल रहे हैं 5 के स्कोर पर, और मिलर ने बनाया हुए, भाई साहब को पता है जैनसन कितने मिलर खूबसूरत लग रहे हैं ना, ऐसे माशाल्लाह, खिलाड़ी कहाँ होते हैं। बिल्कुल सही बात है, आपकी नजर में कोई रिश्ता है जेनसन के लिए? नहीं नहीं तो फिर मैं क्रिकेट की बात करें ना, जेनसन की खूबसूरती की बात करें, लानत आपके शक्ल के ऊपर। अच्छा मैं बताना चाह रहा था कि ये इनके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनके पास फैसिलिटी नहीं है, ना गंदे ग्राउंड है, ना टूटी फूटी रोड है, सड़कें हैं, ये कहाँ से निकल ले खिलाड़ी इतने। जो जो लोग जो लोग मुश्किल हालात से निकल के आते हैं, जैसे कि आप, हाँ बफर जोन की खड्डे वाली गलियों में आपने क्रिकेट यकीन खेली, करें, आप ऐसे यकीन खड्डे कर, खड्डे 3 दफा तो मैं गटरों में गिरा हूँ, ये ऐसे खड्डे थे मैं, लेकिन यार जब ये इंसान को जब जिंदगी होती है जब ना। मुश्किल रास्ते होते हैं ना तो हाँ मंजिल आसान हो जाती है, बिल्कुल, आप उन मुश्किल रास्तों पे प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, जैसे ये जब लोग। हाँ मैंने यशराज की मूवीज में देखा, जैसे हॉलैंड नजर आता है वहां पे, वहां तो पहाड़ है खूबसूरत, वहां पे तो ये कैसे खेलेंगे, पहाड़ों में खेलेंगे, कहाँ खेल के आ रहे हैं, खेत खलियान में खेलेंगे क्या? तो सही बड़ी बात इनकी बात है कि घर में खेल रहे, जो भी खेल रहे हैं बड़ा है, ये बेहतरीन। साउथ अफ्रीका की टीम पर जरा रोशनी डालिए, साउथ अफ्रीका नाम से जाहिर है अफ्रीका का एक मुल्क है, हाँ इनकी टीम के खिलाड़ियों को देखते हैं तो 11 के 11 जो है तकरीबन गोरे ही नजर आते हैं, सियाह फाम खिलाड़ी नजर नहीं बिल्कुल आते, क्या वजह है? एक तो है ना बुबामा, बुमा, हाँ वो है ना, तो वो बाकी का है, उनकी बाकी देखो 10 लोग को नहीं, उनकी पर्ची निकलती है, आप गौर करिएगा सारे खिलाड़ी गोरे चित्ते हैं, हाँ। एक आध होगा लपाटा आप पटाखा, मोहताज होकर बात करें, आपने एक दफा कह दिया था काले की माँ बैठी हुई है आप पर, 4 महल की हाँ पढ़वा पाबंदी के लगाई, आ जाए, कुछ करके हाँ आए हाँ तो ये इस तरह की बातें आप करते देखो थे, मुंह से रेसिज्म निकल वाली जाता है, अच्छी ऐसी बात कोई नहीं, बात नहीं, दे आर वेरी गुड लुकिंग, दे आर नॉट रेसिस्ट, हाँ और
प्लेड वेरी वेल। आइए एक बताएं कि जब आपने कहा था काले की माँ जानेमाज से बैठी हुई, तो जब आप खेलते थे बैटिंग करते थे आपकी वालदा भी जानेमाज से बैठी होती थी? बताओ ऐसा ही है, सारे अच्छा खिलाड़ियों की अम्मा है, वालदा है, बहन है, बहुएं हैं, सब पढ़ती रहती हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हमारे पास टैलेंट है जो हम जो इतने जीत जाते हैं मैम? वो तो अम्माओं की कॉम की दुआएं हैं तो कि ये सब बताओ इतना नेट कर पे जो लेते हैं। प्रैक्टिस कराते हैं वो किस लिए होती है? अगर हाँ माँ हो तो नहीं दुआ करनी है तो तुम लोग किस लिए हो? तनख्वाह किस लिए मिलती है तुम लोगों को? प्रैक्टिस देखे देखे कब करोगे तुम? ये तो हमारा हमारा अकीदा है कि हमारी माए बहनें हमें जो है वो दुआएं करती हैं, वरना हमारे तो शॉट ही लिमिटेड है, हमारी तो परफॉर्मेंस ही लिमिटेड है, हम तो फंस फंस के खेलते हैं। आपको अभी फंसा दिया था उसने, हिंदुस्तान ने चाचा दोनों। ये देखिए, ये दुआ और अकीदे के चक्कर में टीम का ये हाल हो रहा है। ये क्रिकेट से प्रोफेशनल गेम, यहाँ पे आपको प्रोफेशनल होना पड़ता है। आपको क्या लग रहा है इंग्लैंड के प्लेयर है ये सब क्या जादू टोना करा रहे हैं? ये इंडिया के प्लेयर का जादू कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं, आपने नहीं देखा, आपने करा नहीं है, कौन जादू कर रहा आपने है? देखा नहीं पांड्या जू करके, ये उसने दुआ मांगी और फूका पर्ची, या अल्लाह जो भी बोला उसने, पांड्या ने याला बोला। नहीं उसने ये बोला ईश्वर अगर ये पर्ची पे तो आउट हो जा, हो गया इमाम सही आउट बात, हुआ नहीं। एक एक का जो है वो मामू वो था, एक का क्या कहते हैं ससुर का दामाद हाँ। खेल नहीं रहा नहीं है, ये आपने बिल्कुल ठीक एक का कहा। चाचा खेल रहा है। ये शादाब का सुसर सकलेन हाँ भैया, शाहीन का सुसर आफरीदी, ऐसे इमाम का मामू इंजमाम, टीम का चाचा इफ्तिखार, बाबर का बाकी बच दोस्त गए बाबर के दोस्त रिजवान और फखर असल जमान असल अली और क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, जनरेटर। मुश्किल से तीन प्लेयर हैं जो मेरिट पर है। एक हारिस रऊफ है, एक कौन है सुहेल करके, क्या नाम है उसका, वो सऊद साउथ शकील, सऊद शकील है, शकी। और तीसरा अब्दुल्ला शफीक, चौथा नवाज है। नवाज जो है सरप्राइज है। अब ये किसको सरप्राइज करेगा ये नहीं पता, मैच वाले दिन होता है हमें आज। बिल्कुल ये इश्तिहार बहुत आ रहा है और इश्तिहार के अंदर हारिस रऊफ को माशाल्लाह बड़ी जगह मिली हुई है। बहुत जगह मिली, हाँ ये ज्यादा अच्छा होता अगर मैं आता ना, ब्रांड इनका यूनिवर्सल पूरा फैल जाता। सरफराज, हमने आपका एक कमर्शियल देखा है, अजीब बेटों के तरीके से नाच रहे थे, चौका 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 करके, क्या था वो? यकीन करें बड़े सगीर, हिंदो पाक में आज तक ऐसा हेड नहीं बना, बिल्कुल सही बात है, इतनी मुल्तान में बना था क्रिएटिव वो। हेड बनाया हाँ। हमने सर वीवी निचल को बताया, खुदा की कसम कह रहे हैं आफरीन है, आप यकीन करें, विवेक निशंक का मस्ती का फोन आया, मुझे चौका। कह रहे थे कि यासिर यकीन करो, आसिर भी नहीं अस्मत का, यासिर तो मेरा असली करेक्टर है ना, अस्मत कहना चाहिए अस्मत। मुझे उर्दू नहीं आती वरना गंदी गंदी गालियां देता मैं सरफराज को, वो कुछ मैंने उन्हें दे रहे थे, समझाया। मुझे अंग्रेजी नहीं आती ना, तो कुछ बोल लेते शायद गालियां ही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जिस अच्छा तरह की तुम लोगों की हरकतें थी, जिस तरह के तुम लोगों ने कमर्शियल किए, बताओ जरा ना। सैम कौन था वो वेस्ट इंडीज का कप्तान जो वर्ल्ड कप जीत के गया था लास्ट टाइम, काला वाला, पेशावर से जो खेला था? फन तो बुला दो, वो हाँ बबले बुला ना, क्या नाम था मैंने उसका, उनको ऑफर एस दिया से नाम था उसका, सेमी सेमी क्या नाम था उसका, समी, दारन सामी। डैरन सेमी, हाँ डैरन सेमी, हाँ उसको यस। तो पिशावर में वो दे रहे थे ना, हाँ उसको चपली कबाब का होटल खुला के दे रहे थे। मैच बहुत इस वक्त सनसनीखेज होता जा रहा है, बहुत 23 पैसा भाई, अठारह बहुत दो ओवर पैसा के भाई, अंदर 103 पैसे रन और फंसे पांच हुए भाई, खिलाड़ी आउट है। जी हाँ, कल हमारे जजीज ने लगा दिए थे, 5,000 का नुकसान हुआ। अच्छा नहीं, मुझे लगता है कि मिलर ये मैच जिता देगा। हाँ हाँ, मिलर मिलर जब, आपको पता है, हाँ मिलर वो बैट्समैन है जिसने T20 में फास्टेस्ट सेंचुरी कर रखी है। वो T20 में किए ना चाचा, ये वनडे। भाई मेरे हिसाब से तो T20 बचा है, 43 ओवर का मैच था, 23 हो गए, हाँ 20 ओवर बाकी है, 20 ओवर के बहुत अंदर सनसनी एक खेज है सौ 43 रन चाहिए, तो एक तरह से T20 है, बस विकेट कम है इनके पास, ये 5 विकेट। बॉलर, यकीन करे मुंह से कितना बूढ़ा है लेकिन परफॉर्मेंस ये गया, देखिए भाई ये बूढ़े होने ग्राउंड से से फर्क नहीं फेंक गया, पड़ता, हॉलैंड ये और कह रहे इंग्लैंड भाई के ये खिलाड़ी जो कैच हो बूढ़े, गया। नहीं नहीं छक्का, अरे अरे छक्का हो गया, छक्का हॉलैंड यार गया इसमें, अभी इतने मैं बच्चे वजह पकड़ लेता, यूं करके हाथ मारता तो अंदर आती, फिर इतनी सर देर में आप मैं, भूल जाते हैं, आप विकेट कीपर है, विकेट कीपर बाउंड्री पे क्या कर रहा होता है ये समझाएंगे मुझे आप? क्योंकि रिजवान कीपिंग कर रहा होता ना तो मैं हाँ बाउंड्री पे खड़ा हुआ था, बहुत ही ये बेशरम। तो बाबर बिठाता उसको, आप देखिए मुझे बताएं एक आदमी, एक आदमी जो कप्तान रिजवान रह के चुका हो, होते हुए वो उसको बिठाता। एक आदमी कप्तान रह चुका है, एक हाँ आदमी विकेट कीपर रह चुका है, और वो कैसे ये कैसे मैं 12 पकड़ मैन के लेता, तौर पे वो कर खुदा सकता है? की कसम मैं पकड़ लेता, नहीं पकड़ सकते सर, पकड़ मैं तुम लेता। झूठ बोल रहे हो, नहीं पकड़ सकते। ये अबे देखिए ये तो ये अंदर ही गिरा है, तो बाहर भी नाला नहीं पड़ता। बाउंड्री हो गई, हाँ बाउंड्री हो गई, फिक्स है मैच, मैच फिक्स है, हॉलैंड ने पास मतलब ले लिया। आप ये कह रहे थे कि वो जितवा देता अगर ये कैच पकड़ ले तो लपेट दिया था ना, हाँ नहीं लेकिन मैं यही कह रहा हूँ अभी मैच फिक्स है। दफा देखिए जैसे दफा कर इंडिया दिया। पाकिस्तान का मैच था, ये फिक्स हुआ था ना मैच, हाँ वरना आप मुझे बताएं हमारी टीम आप ऑनलाइन मुझे विकेट करके, बताएं ये क्यों हो जाए, ये वकार लगा का मामू क्यों गया था वहां, नहीं ये असल बता में मैं दे, समझता हूँ हमारे जो पीली बोर्ड शक्लें के जो बनी हुई है, ऑफिशियल, तस्वीरें आनी है, क्यों गया था ये? मैं नहीं तो नहीं यार कराची का लड़का हूँ ना, बासित भाई और मेरे अलावा सब खुली बातें करते हैं, जिसकी वजह से लोग मुझे बुरा भला कहते हैं। यकीन करें अनवर अली को मैंने जितनी गालियां दी है ना, उसके माँ बाप ने उसको उतनी गालियां नहीं दी होंगी, हाँ ठीक सीधा बात है, अलिफ कर दिया ना मैंने उसको। हाँ अनवर से मेरी बात हुई थी, कह रहे सरफराज बनारस की चुंगी क्रॉस नहीं कर सकता, हाँ हाँ क्योंकि वो उसका एरिया, हाँ हाँ तो मैंने मैंने इतनी बोला तू गालियां दी बफर थी वो जो नहीं आ बताएगा। सकता, अब हाँ तू बफर जो नहीं आ सकता, सही ये बात है, ऐसी ताज्जुब तड़िया फैला रहे हैं, दी। आप ताज्जुब फैला रहे हैं, और आप एक इतने बड़े शहर के अंदर रहकर आप ताज्जुब फैला रहे हैं, आपको तो चाहिए कि ये कौम को ताज तो जोड़े। बाप फैला रहे, बनारस की बात आपने की है, हाँ तो मैं आप तो गालियां बफर दे जोर रहे की हैं उस बात कर बेचारे रहा हूँ। बच्चे को, नया लड़का था, आप उसको गालियां दे देंगे, और बहुत कैसे आप भाई कमाल अलिफ करते कर हैं? दिया था, मुर्गा तक बनाया, बोला ये अंडा देखिए भी दे, ये ऐसी देखिए बात की है मैंने। ये हाँ
ये निस्वार का एड था, निस्वार के एड में फहद मुस्तफा बताइए जरा, इतना बड़ा स्टार है और निस्वार का एड काश मैं होता फहद भाई, यकीन करे। हाँ फहद से याद आया, फहद के पास आप बड़ा जाते हैं जी, तो पाकिस्तान में डब्बे पे खोल रहे होते, फारिग होते हैं रमजान तरावी पंड के निकल जाते हैं। हाँ यार हमारे भी शूटिंग मनाओ फहद के साथ, हम भी आए तो आप सुनते ना, आपकी तो पुराने जानने वाले हैं। नहीं नहीं यार असल में हमने जवानी में उस पर दो तीन जोक किए थे, माइंड कर गया। जवानी पे किए थे क्या मकसद? नहीं नहीं उसकी जवानी में किए थे जो हमने, मतलब आप अच्छा मैं समझा आप पैदा ही बुड्ढे हुए थे। तो आपको पता है 92 में हमारा कजन खेलने वाला था पाकिस्तान की तरफ से। अच्छा हाँ फिर क्या, उसकी खाला भाग गई घर छोड़ के। अच्छा हाँ। यकीन करे मुझे तो लगता है कुछ अरसे बाद ये दानिश तैमूर से भी ज्यादा बुरा हो जाएगा। कौन ये फहद मुस्तफा? हाँ भाई इंजेक्शन अगर आप इतने लगाए, दानिश तैमूर भी काफी गोरा है। हाँ। हालांकि उसने भी लगाए हाँ। इंजेक्शन, लेकिन इसके पास पता नहीं कहाँ से आ रहा माल। नहीं बड़ा स्टार है, इसके पास ज्यादा पैसे होंगे, लगवा रहा होगा इंजेक्शन। यार आप अजीब, अरे यार मैच पे बात करें। हाँ मैच पे बात करें। अब ये देखिए मैच बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है। 5 मिनट में एक ओवर नहीं हो रहा है इनसे, बताएं जरा। एक ओवर नहीं हो पा रहा, एक एक बॉल के बाद इतना लंबा लंबा गैप लेते हैं, इतनी दूर दूर से भाग गया। ये बताएं नसीम शाह जो है ये बॉल देख लेते हैं, क्या देख के क्या उखाड़ लिया आपने? कोई डायलॉग आपके पास है नहीं, कोई कंटेंट आपके पास है नहीं, लाइव जाएंगे लाइव जाएंगे, बिठा लिया मैंने आपको लाइव। अच्छा ये बताए बात आप कोई, अब मैं बता रहा हूँ हाँ। नसीम शाह का कंधे क्यों उतर रहे हैं ये शुमार, 18 साल के लड़के के कंधे क्यों उतर रहे हैं यार, आप इसके बारे में बात करें। मैं बताता हूँ नसीम शाह एक नौजवान प्लेयर के ऊपर सारी जिम्मेदारी उस गरीब बच्चे के कंधों पर डाल देंगे तो कंधे तो उतरेंगे। अफगानिस्तान से आखिरी दफा दोनों मैचेस नसीम शाह ने जितवाए, पूरी की पूरी टीम 9 के 9 खिलाड़ी फारिग हो जाते हैं, वो बेचारा बच्चा अकेला बैठ के मैच जीता। मुद्दे की बात पे आ गए अब, मुद्दे की बात पे आ गए कि आप रिजवान बाबर चाचू ऊपर से इमाम ये रन नहीं बना रहे, आखिर में बेचारा जितवा कौन रहे आपका नसीम शाह? तो ये घंटे की टीम बनाई हुई आपने, घंटे की आपने बॉलर आपको, वो भी नवा खिलाड़ी जितवा रहा है, ये नहीं कि सातवां जितवा दे शाइन माइन मांगते हैं। इंजमाम ने जब टीम अनाउंस की थी तो उसने बोला था कि हमने टीम अनाउंस कर दी, बाकी अल्लाह इसमें बरकत डाले। और ये इश्तिहार में शादाब आ रहा है, इसकी तो जगह ही नहीं बनती टीम में, मतलब वाइस कप्तान की आपकी जगह ही नहीं बनती यार। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा पेप्सी वालों ने किससे रिश्वत ली है कि शादाब को कमर्शियल में ले लिया। आप मुझे बताएं रिजवान को ले लेते, नंबर 2 है क्रिकेट के अंदर, ओडीआई में, T20 के अंदर, बाबर रिजवान और शाहीन, ये सरफराज कहां से आ गया इसके अंदर भाई? ओ भाई मैं टेस्ट में तो हूं ना। सरफराज के बारे में एक खास बात जो नासी नाम आपको बताना चाहते हैं, सरफराज जी वो कैप्टन है जिन्होंने 11 सीरीज T20 की लगातार जीती है और 12वीं हारते ही बाहर हो गए। जी हाँ ये देखें, और ये हारे जा रहे हैं खेले जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो हारेगा तो प्रैक्टिस कराएंगे ना, जीते हुए आदमी को तो आता है, लेकिन उसको तो बिठा दिया। बहुत खतरनाक लॉबी है इस वजह से मैं बाहर हुआ हूँ और अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है हॉलैंड वाले बड़े लड़के लेकर आए हैं, ये देख रहे हैं बिल्कुल बार बार ये आउट हो गया, मेरे ख्याल में एक और आउट हो गया है, लाइव ट्रांसमिशन कट हो रही है आई थिंक। हाँ आउट हो गया है, एक और छठा आउट हो गया नाजी, छठा आउट मिला गया आके विकेट गिर चुकी है नाजमीन। अफगानिस्तान के बाद एक और अपसेट होने को तैयार है नेदरलैंड, अपसेट नहीं हो रहा, अपसेट हो चुका है अब, हो गया है। अब मिलर खड़े हैं, सारी उम्मीदें सब कदारो मदार मिलर के ऊपर है, अगर मिलर आज जीत गया तो हो सकता है साउथ अफ्रीका का अगला वजीर आजम मिलर। जी हाँ यहाँ से अगर जीत गए तो मिलर को वजीर आजम बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं, हमने भी यही किया था। उस तजुर्बे के बाद पूरी कौम अभी तक एक गहरे सदमे में है, निकल नहीं पाई है। पेट्रोल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बता रहा था कि 284 रुपए पेट्रोल हो गया। तो आप कैसे बाइकिया पे आए यहाँ? मैं बाइक पर आया, बाइकिया नहीं बाइकिया पे नहीं आया, क्योंकि मैंने कहा आज अपनी बाइक निकाल लेता हूँ। आपकी तरफ आज शाहरा फैसल आते हुए 350 का लग जाता था पेट्रोल, तो 40 रुपए कम हो गए, 310 रुपए तक का पेट्रोल लग गया है मेरा। आप बफर जोन के अंदर अक्सर बाइक बाइक पे घूम रहे होते हैं, मैंने अक्सर आपको देखा है, 2-3 सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी आप नजर आए हैं ये वाली कैप पहन के मोबाइल छीनते हुए। कैसी बातें कर रहे हैं यार, कैसी बातें कर रहे हैं? इस तरह की कैप मोबाइल छीनने वाली पहनते हैं चेहरा छुपाने के लिए? ऐसा नहीं है, मतलब जितने भी बफर जोन में लौंडे घूम रहे हैं कैप पहन के सब स्नेचर चल रहे हैं और सब सरफराज है। हाँ तो रात के वक्त कौन कैप पहनता है? आप भी तो रात के कब? ये मेरा 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 जो है वो असल में स्टाइल है, कभी नंगे सर आया ही नहीं, असल कभी नंगे सर नहीं आया। चीटरों का वार्डरोब है ये, चीटर ज्यादातर पहनते। अब आप बोलेंगे मैं पहना हूँ तो आप भी चीटर है? जी नहीं, कोई चीटर की बात नहीं है, ये हमारा एक रख रखाव है, हमारा कैरेक्टर है, हमने शुरू से बिल्डअप किया है कैरेक्टर, नंगे सर कभी सामने नहीं आया। तो हम कौन से नंगे सर आ रहे हैं यार? नहीं आप तो मैंने देखा कितनी दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा मैंने तुम्हें बगैर टोपी के, रात के वक्त टोपी पहन के दूध वाले की दुकान पे तुम क्या कर रहे थे? अगर मोबाइल नहीं छीने तो बताओ खुदा की कसम तुम वहाँ क्या कर रहे थे? भाई दूध लेने गया था, हवा चल रही थी, डस्ट हो जाता है, बाल झड़ने, सब बता दूं, हाथ पैर कटवा दूं, कैसी बातें कर रहे हैं यार? ये आपकी ट्रांसमिशन ही रुक गई, खिलाड़ी रुक गया ट्रांसमिशन के हवाले से, देखो कितने आउट हुए। मैं मोबाइल भी देख रहा हूँ नासिर,
इस वक्त हम देख रहे हैं कि अभी जी हाँ 109 पर 5 आउट है। मेरा भी इंटरनेट पीछे चल रहा है, 6 आउट हो चुके थे आखिरी बार जब हमने झलकियां देखी थी। तो मैच हम देख रहे हैं, ये छठी विकेट गिर चुकी है और ये बहुत ही खूबसूरत बॉलर हैं और ये फील्डर हैं जो खुशी का इजहार कर रहे हैं। और ये इन्होंने क्यों क्यों ना करें खुशी का इजहार, साउथ अफ्रीका जैसी टीम को शेयर करने वाले हैं ये लोग। क्या समझते हैं आप इनके जज्बात के बारे में? आज जब ये जीतेंगे तो आज रात की पार्टी करेंगे ये लोग। बिल्कुल करेंगे, और मैं कहता हूँ भरपूर पार्टी करनी चाहिए हाँ, और उनकी बनती भी है। पार्टी ये में क्या क्या जो चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या उनके बोलते हैं? वो मैं बता नहीं सकता यहाँ पे, बता हाँ देता हूँ बल्कि बता दो बता दो, कोई बात नहीं, लाइव है। अफीम गांजा सब कर सकते हैं और शैंपेन भी पी सकते हैं। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं यार, वो जिस तरह भी करे वो उनका फेल है, सही उनको बात अपनी है, कबर में जाना है, उनको अपना हिसाब किताब देना है। वी बिल्कुल डोंट कैरी व्हाट दे हैव बिल्कुल, यस एंजॉयमेंट यस। पार्टी। नहीं असल में इंडिया में हो रहा है ना वर्ल्ड कप, इंडिया के अंदर बार हाँ बार वहां वो तो होते हुआ हैं तो वहां हुआ पर तो कल्चर भांग रहता वांग है। का हाँ सीन है ना, वहां तो मिल वहां पे जाती है काफी कुछ आराम। है। मैच कहाँ पे हो रहा है, किस शहर में, ये कुछ अंदाजा है आपको इस बात का? ये मेरे ख्याल से बैंक से वो गंदा सा कुछ है वहां पे हो रहा है, कौन सा, बंगाल। बेंगलोर? हाँ हाँ बेंगलोर बेंगलोर, नहीं है। बेंगलोर में ये मैच हो रहा है। बेंगलोर के मौसम के अच्छा बारे ये में आपको बताएं बता कि दें। अभी जो बीच जुम्मे को मैच है इसके बारे में क्या कहेंगे? किसका मैच है? पाकिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का चाचा क्या करते हो? हाँ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है नाजीन। पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत कहाँ मिले, इंडिया से हारने के बाद हमें अगर इस टूर्नामेंट के अंदर बाकी रहना है और टॉप पोजीशन में आना है, सेमीफाइनल खेलना है, तो हमें अपने सामने वाली हर टीम को हराना होगा। ये क्या तो लगता है सीधी सी ऑस्ट्रेलिया को बात हरा है, तो पाएंगे? सब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपको कैसा लगता है कि हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? देखिए ये तो हमें भी नहीं पता, हम तो मैच वाले दिन का वेट करते हैं इस बात के लिए, अच्छा हमें क्या पता नहीं, कैसे कम जीतेंगे। हमारे कम्बिनेशन का जरा बता दें। आज खबर आई है 4-5 लोगों को बुखार हो गया है, आपको थोड़ा सा, और अवामुल नास को बताता चलूं कि ये अपना क्या कहते हैं बुखार हो गया अपना, उसको क्या कहते हैं बाबर को, नहीं, शाहीन को तो बुखार था, ड्रिपे भी लगी हुई थी, उसके अच्छा अलावा 2-3 खिलाड़ी और हैं उनको भी बुखार हो गया है, माय ठीक ठाक गॉड, वाला। OMG, हाँ ओहो तो आप क्या कहते हैं कि अब क्या, एक तो खिलाड़ी वैसे ही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बेंच वाले भी अगर उनको बुखार हो जाएगा तो ये क्या नहीं मुझे लगता है मिकी ये मिकी माउस खुद खेलेगा क्या? नहीं, मैं समझता हूँ ये इंडिया की स्ट्रेटेजी है। हमारे हाँ खिलाड़ियों को जानबूझ के वायरस दिए जा रहे हैं, उन्हें हाँ बुखार में मुबतला किया जा रहा है मच्छर ताकि हमारी मच्छर टीम लिए अच्छे जा रहा परफॉर्म है, ना करे। जी हाँ किसी को खांसी हो रही है, किसी को बिल्कुल गंदा बिल्कुल, हो रहा है, जी किसी जी को बवासीर हो रही है, जानबूझ के। तो ये सब बिरयानी, चीजें। बिरयानी शादाब कह रहा था हैदराबाद में, इन्हें रोज बिरयानी खिलाई गई बिरयानी खाने की वजह से बिरयानी, सुस्त हाँ हो गए ये लोग, सुस्त बिल्कुल होने हो की गए, वजह से इनको वजन बढ़ बिल्डिंग गए, अच्छी खा नहीं। के सो जाते, जी मोटे हाँ मोटे हो रहे, भागा नहीं जा रहा। मैं अपनी बिल्कुल, टीम बनाता, यकीन करें मेरी टीम में शर्जील होता, शर्जील के बिना तो टीम नहीं बनती है क्यों यार। शर्जील क्यों होता आपकी टीम में? हार्ड हिटिंग बैट्समैन, हार्ड हिटिंग, नहीं, जिस मुझे तरह पता की है जिस शर्जील तरह आपका बात, दोस्त है, हैदराबाद में रहता है, आपका आना जाना। देखे दोस्ती हाँ यारी अपनी जगह, काम के वक्त अलिफ रखता हूँ उनको, सही बात है, मेरे मुट्ठी में है ये सारे बंदे। अनवर अली को वापिस लेके आता, आमिर वेरी इंटेलिजेंट बॉलर, आई थिंक ही डिजर्व टू बी इन द स्क्वाड और उसको स्क्वाड में होना चाहिए। देखें अब शाहीन जो है छोटा छोटा बच्चा प्रिडिक्ट कर लेता है, ये आगे की तरफ बॉल कराएगा, अब ये यार मुझे चौड़े पे अभी आ याद गए, आया, अभी रोहित आपने, शर्मा हाँ इंटरव्यू इंटरव्यू ले रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि बेस्ट पुल शॉट प्लेयर, सारे कह रहे हैं, मतलब यानी कि तारीफों माना है हिंदुस्तान में बैठे हो आप, रोहित शर्मा और इतने इतने माशाल्लाह से अकल के पैदल है, सारी बॉले शॉट करा रहे हैं। वो टेपिया भी हारिस रऊफ की बड़ी तारीफें कर रहे थे आप, वो भी उसको शॉर्ट बॉले करा रहा है, तारीफें कर रहा है, बेस्ट प्लेयर देखिए रोहित शर्मा रोहित करा है, शर्मा, यूं कर रहे मेरी हैं। बात सुनो, रोहित शर्मा को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आप। पिछले मेरे ख्याल में 5 मैचेस के अंदर पाकिस्तान ने शुरू के पहले पहले ओवर में रोहित शर्मा को आउट कर लिया, तो आपको लगा हलवा है? हाँ रोहित शर्मा वो प्लेयर है जिसने वनडे के अंदर 3 दफा डबल सेंचुरी बनाई है। बिल्कुल आपको पता है डबल सेंचुरी का मतलब समझते हैं आप, 200 रन अकेले एक आदमी ने बना लिया। हाँ ये हमारी पूरी टीम मिलकर 192 पे आउट हो गई, एक दो एग्जैक्टली सौ रन से क्रॉस नहीं हुआ और आप हाँ, रोहित शर्मा का मुकाबला मैं करने वही चले। तो कह रहा हूँ कि अब शाहीन पे ये बड़े डिपेंडेंट थे, ये शाहीन तो रोहित को लपेट देगा, शुभमन गिल को लपेट देगा, ये सब डिपेंडेंट थे शाहीन पे। लेकिन एशिया कप में तो जो 3,000 रन से जो हम हारे थे ना, 2 दिन तक 3,000 रन की, जो 2 दिन तक की जो खारी हुई है ना, अल्लाह की कसम मैं तो कह रहा था कि तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, जो है अरे स्टेडियम ही शहजाद हो मुझे जाए। याद आया, इसे आपने अभी फर्स्ट क्लास मैच में 200 रन बनाए, ये कैसे हुआ? यकीन करें दिस शेयर प्रैक्टिस एंड लास्ट ऑफ हार्ड वर्क। ओ आप इंग्लिश बोल सकते हो सुवेल, हाँ यहाँ से हम अपना प्रोग्राम इंग्लिश में कंटिन्यू करेंगे। सरफराज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हॉलैंड प्लेयर्स, व्हाट देयर माइंडसेट ड्यूरिंग द गेम? दे आर क्वाइट गुड लुकिंग गुड लुकिंग एट द मोमेंट, दे आर डिपेंडिंग ऑन देयर बॉलिंग राइट नाउ, राइट नाउ। बस इतना सही है अभी के लिए, नाजीन इंग्लिश खत्म हो चुकी है यहाँ पर, हम दोबारा उर्दू में कंटिन्यू क्योंकि करेंगे। हमारा शो जो है हाँ वो मुतवस्से तबके को नहीं रिप्रेजेंट लेकिन करता है। इंटरनेशनल आप ऑडियंस के लिए भी लासानियत है, पे बात कर रहे हैं, हॉलैंड में आप बहुत से इंग्लिश लोगों में ने भी, करेंगे, वो जाहिल के बच्चे जो बैठे हुए हैं उनको समझ में नहीं आएगा।
आप बातें कर रहे हैं, चौका पड़ गया इस बात के लिए नहीं कर रहे हैं हम कुछ ऑलैंड, तो आप इसलिए कर रहे हैं यूरोप में देखा जा रहा है आपका शो जी हाँ, आप अपने आपको या वो स्टील में आवाज ऊंची करना कोई चीज जो मैं बताऊं तो रही है हमारे सामने हमारे शो में बैठ के आवाज ऊंची कर रहा हूं, स्टूडियो में लड़के बैठे हुए खुदा की कसम नहीं पिटवाऊंगा ये बता रहा हूं, हल्की आवाज में बात करना है बहुत चाचा बहुत अच्छा करता है बहुत अच्छा करता है जी यार। तो हॉलैंड के लिए कर रहे थे मैं इंग्लिश में बात, हॉलैंड से भी लोग देख रहे हैं। अच्छा हॉलैंड में भी बॉलर की अम्मी भी होंगी, उन्हें क्या पता हम उर्दू में क्या बात कर रहे हैं, हमें इंग्लिश में बताना पड़ेगा उन्हें। नाम देखो इनका कितना मुश्किल है, मैं भी बात करता हूँ आंटी के लिए मैसेज दे देता हूँ वालदा जी, बिल्कुल योर सन्स प्लेइंग गुड इंडिया विकेट दैट्स गुड। क्या था ये मैसेज? मैसेज पहुंच गया मुझे उर्दू में समझाओ ताकि मैं इंग्लिश में उनको दोबारा ट्रांसलेट करूं। मैंने उनको बोला है कि आपके बच्चे अच्छा खेल रहे हैं इंडिया में, आप क्या चाहते हैं कि छह पैराग्राफ का पूरा मैसेज दूं क्या? अंधी है क्या उनको नजर नहीं आ रहा क्या? इंग्लिश बोलना आप आर्ट नहीं रह गया, गूगल ट्रांसलेट आर्ट नौ हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं? बोलोगे इंग्लिश आ जाएगी उसके अंदर, तब भी इंग्लिश नहीं बोल रहे, लाना था तुम्हारे बैच के ऊपर बात कर लेते। मेरे ख्याल से बैच जो है चांसेस सिर्फ 13% रह गए, मेरे ख्याल से 9-10 के नीचे आएंगे ना फिर वो कुछ मजा आएगा। 13 क्यों है? 13% के ऊपर चांसेस है साउथ अफ्रीका के, बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत शॉट और ये छक्का नाजिम, ये छक्का हमारे प्लेयर मारे नहीं सकते, जितना टाइमिंग से इसने छक्का मारा है, बॉलर के पेस को यूज करते हुए हल्का सा पुश किया। अब्दुल्ला शफीक का आपने देखा जब तक उसको मतलब वो बुमराह समझ के अगर कहता कि भाई बुमराह खेल रहा है, अब्दुल्ला उसको बड़ा आउट किया था, सिराज ने आउट किया था मेरे ख्याल से हाँ सिराज ने आउट किया था, लेकिन उसको उसने आपने देखा होगा शॉट बड़े अच्छे मारे थे अब्दुल्ला ने। अब्दुल्ला शफीक श्रीलंका वाले मैंने बहुत अच्छा खेला था, इंडिया वाले मैंने भी स्टार्ट अच्छा लिया था, फिर पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, लेकिन इंडिया का तो हवा बनाया था खुदा की कसम यार। मैं होता नहीं, आप मुझे डेढ़ लाख की आवाम आपको गालियां दे रही हो, आपका दिमाग खुद क्रिकेट पे फोकस नहीं होगा। ब्लू कलर के पहन के आए लॉबी वो था, और आपको चैंपियंस ट्रॉफी का जब फाइनल हम जीते थे इंडियन प्लेयर्स के ऊपर हमने कितनी गंदी हुटिंग करी थी, है ना, याद है आपको? कोहली तुच्छ नीचे सो पाएगा, कोहली तुच्छ नीचे। अब जब रिजवान आउट होके जा रहा था वही इंडियन क्राउड था जो हम पर हिटिंग कर रहा था, क्राउड में उतर जाता वही बंदे को पकड़ के ट्विशे में आता ना इंसान का। आप अजमल कसाब वाला हाल करते वो लोग, आप वहाँ पर आपको पता रिजवान पे FIR कट गई है, मुझे तो नहीं लग रहा ये जीत पाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ओ माय गॉड, साउथ अफ्रीका में आज हार्ट अटैक होंगे, टीवी टूटेंगे, कुछ अच्छा हो जाए कुछ मीठा, ट्रू पाकिस्तानी। हर इसमें इश्तिहार आ रहे हैं, ये पे पाक और पे पैल इसमें फर्क है क्या? 19-20 का फर्क है, मेरे ख्याल में भी के और एल का फर्क है, पेपाल में एल आता है, पेपाक में के आता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, बहुत ही जाहिल किस्म के आदमी को हमने बुला लिया नाजीम, एक रुपए की नॉलेज नहीं है इसको, जो चीज हम बोल रहे हैं हाँ में हाँ मिला रहा है, बारीक तरीन आदमी है खुदा की कसम, हमें लगा था मिमिक्री अच्छी करेगा, आवाज तो अच्छी निकाल ही नहीं रहा और बातें तो इतनी फारिंग है अल्लाह माफ करे कि इसको कोई भी लोगों के पास बजट नहीं था, सस्ते में यही आ रहा था। हमारे यहाँ चौका पड़ने के बाद ऐसी शक्ल हो जाती है जैसे कोई यतीम हो गया, मैच हार गए उसके बाद साइन करवा रहे हैं बच्चों के लिए ऑटोग्राफ, खुदा को माने यार। बताओ हाँ, कोहली से शर्म मांग रहा, नाम कटवा के लिखवा दो ना बाबर, बाबर कोहली से शर्म मांग रहे हैं, बताओ शर्म नहीं आती? इतने बड़े प्लेयर है, इतने पैसे कमाते हैं, अपने पास खरीदने की शर्म के पैसे नहीं है इतने बड़े। अभी हमने भी जैनब से खरीदी, आप भी खरीद लेते यार, छोटी खरीदी है फिर भी खरीदी है जैनब से यार। एक बार तुमने और प्रोडक्शन पे कुछ बोला ना मैं कुछ उठा के तुम्हारा सर फाड़ दूंगा, बेहतरीन क्वालिटी स्टफ नाजिम जिस चैनल में काम करते ना वो इनको टीवी पे ले नहीं रहे, हमने इन्हें यहाँ बिठा लिया कैमरे के आगे और ये बकवास कर रहे हैं आगे से, वो तो अल्लाह माफ करे। हाँ परजोश तुम्हारा ही चैनल है ना, आप माफ करे, वसीम बदामी को जानते हो? बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं। अगर ये वर्ल्ड कप अफगानिस्तान जीत गया तो कौन कौन सी टीम खुदकुशी कर लेंगे आप मुझे बताएं? सबसे पहले तो इंडिया करेगा, इंडिया करेगा और उसके बाद इंग्लैंड करेगा, बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया भी करेगा, ऑस्ट्रेलिया और हम नहीं करेंगे क्या? हम तो देखें हम इतनी दफा अफगानिस्तान से क्लोज खेल चुके हैं कि अब की बार अगर हम हारे भी दुख नहीं होगा। सीरियस और सीरियस नोट, सारे लोग देख रहे हैं हम लोग तैयारी तौर पे हारने के लिए तैयार हैं, क्योंकि चेन्नई में मैच हो रहा है, चेन्नई की विकेट ऐसा है कि चौथे टेस्ट के चौथे दिन वाली विकेट बनी हुई है और फुल स्पिनिंग ट्रैक है हमारे ना नवाज ने स्कोर करना है ना उन्होंने रन बनाना है ना शादाब ने रन बनाना है ना विकेट लेनी है, इनकी जगह नहीं बन रही। सीनियर खिलाड़ियों के इंटरव्यू सुन रहा था, वो लोग टॉक शोज में बात कर रहे थे, कह रहे हैं कि इंडिया ने पिच की जगह रोड बनाई है, सड़कें सीधी सीधी सड़कें, कोई स्विंग नहीं है, सारी बैटिंग विकेट है, तो आप कह रहे हैं चेन्नई की स्पिन विकेट है, आप कैसे कह रहे हैं? एग्जैक्टली, आपको देखे अब यही बात हो गई कि क्रिकेटिंग माइंड सेट जो है वो मुझे पता है, आपको घंटा नहीं पता,
इसके बारे में आप देखे ना, अभी जो मैच हुआ था स्पिनिंग ट्रैक पे हुआ था, और अभी चेन्नई का जो ये मैच आप कौन सा मैच हुआ था चेन्नई में अभी? अभी अभी हुआ था मैच, नहीं मुझे नहीं मुझे मैच बताओ एग्जैक्टली, अभी अभी बैठक की हुआ मीटिंग था, आएंगी तो मैं अभी बात इसका करूंगा। मैं आप बात इंटरव्यू आगे दे नहीं बढ़ेगी, पहले मैच बताओ कौन सा हुआ था। यार, ऑस्ट्रेलिया का कोई मैच हाँ हुआ था, कौन उसमें सा हुआ था? विकेट वाले इस तरह की बनाई थी। हाँ हाँ जिसमें ऑस्ट्रेलिया आउट हो गया था अभी हाँ रन स्कोर ऐसे के ऊपर। अच्छा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच वो जो चेन्नई में था हुआ वो था? चेन्नई में हुआ था चाचा, अच्छा मैं बोल अच्छा रहा हूँ तो हाँ यकीन कर लो। ठीक है ठीक हाँ है। हाँ ये हाँ सही तो बात। अभी अभी अभीज ने भी बताया अभी तक था। साउथ अफ्रीका तीसरे नंबर पे और पाकिस्तान चौथे नंबर पे है वर्ल्ड कप के पॉइंट टेबल के ऊपर। नाजिन मैच जो है एक बार फिर ओए खतरनाक सूरत हाल में 91 बॉलों पे 117 रन, हॉलैंड के खिलाड़ियों की बढ़ती हुई मुस्कुराहट और साउथ अफ्रीका के 117, प्लेयरों का वैसे टेंशन। आपस की बात है, मुश्किल नहीं है, 170 खिलाड़ी नहीं नहीं है। 117 है, हाँ तुम्हारी आंखें भी खा रही। 117, नाजिन अंधा भी है, अंधा भी है, 2 फीट के डिस्टेंस से स्कोर नहीं पढ़ पा रहा। 117 अल्लाह माफ करे, हंस भी रहा है, हंस भी रहा है, फोर्थ वॉल ब्रेक कर रहा है, खुद हंस रहा है अपने कंटेंट पर। लानत है, इश्तिहार बहुत है इन लोगों के पास। इश्तिहार बहुत है यार नाजिन। जब इतना मैच फंस जाएगा तो इश्तिहार ही चलेंगे ना, और क्या। साउथ अफ्रीका वाले इश्तिहारों के बीच में सोच रहे हैं कि क्या करें, किस बहाने से मैच खत्म हो अच्छा जाए। ये बताएं, जो आप अभी ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी खिलाड़ी को, जैसे मैंने आपको बताया कि खिलाड़ी बीमार हो गए तो स्पिनिंग ट्रैक होगा, आपको नहीं लगता कि अबरार को जो है वो जगह देनी चाहिए स्क्वाड में? अबरारू अगर हक, अबरार बॉलर जो है ना अच्छा चश्मे अच्छा वाला, हाँ 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 उसकी स्क्वाड में जगह बनती है हाँ मेरे लेकिन वो हिसाब तो से बनती है। बिल्कुल बनती है यकीनन, लेकिन शायद मुझे आपको बताएं पहले ड्रॉप मुझे करें, आपका क्रिकेट बीमार, स्कैल सबसे सुन। पहले उसको बीमार करें, उसके बाद क्योंकि वो रिजर्व में है, हाँ बात रिजर्व ये करते ट्रैवलिंग हैं स्क्वाड है, ये क्या होता है ट्रैवलिंग स्क्वाड? ट्रेवलिंग स्क्वाड में ये होता है कि 15 के जो खिलाड़ी हैं ना वो इसी में चेंजेस हो सकती हैं, कोई अच्छा इंजर्ड होगा कोई बीमार होगा तो फिर वो बंदे को स्क्वाड 15 में आ सकता है। तो अगर आप शायद आपको बीमार कर दें तो आपको पता है करते खुद अच्छा करना पड़ता है, अच्छा तो आप ट्रैवलिंग उसको स्क्वाड, बीमार कर दें तो अबरार को ले लें, और अबरार को खिलाना चाहिए मेरे ख्याल मेरे में हिसाब किसी से। एक को हिम्मत करके रात को शादाब के मुंह पे तकिया रख के दबा देना और चाहिए। इमाम तो अगला मैच नहीं खेल रहा, मेरे ख्याल में कॉपी पे बेहोश लिख भी हो लो गया अगर 3-4 घंटे के लिए तो अबरार को ले आप, आएंगे टीम बिल्कुल में। यार ये देखे, यार इतना बड़ा इतना एक्टर है असीम फाज हो गया। मुस्तफा अच्छा निसवार जैन मैंने के ऊपर। जमदानों में छोड़ा था, इतना गोरा नहीं था, ये अभी 6 महीने में और नहीं मुझे निखर अफसोस के और आ रहा दुख है। इस बात का है कि यही निस्वार का ऐड होता तो सब लोग एहतजाज करते कि ये देखो निस्वार रख रहे हैं, यही निस्वार इंग्लिश पैकिंग के अंदर दे दी व्हीलो के नाम से तो लगा लेने जबान के नीचे। हाँ बताइए जरा, बिल्कुल ऐसा ही है, ये नशा लाने जो है दो। अगर गरीब आदमी करे तो नशा है, अमीर आदमी करे तो क्लास है। हाँ ये बड़ा हमारे कौम के अंदर जो है ना ये तबकाती फर्क, ये बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। ये ओवर विकेट दिखा रहे हैं जी, और ये डिकॉक, नाजिन ये आउट। यहाँ पे अंधे अच्छा हाईलाइट दिखा रहे हैं, पहला अच्छा डिकॉक आउट मैं हुआ था, ये जज्बाती हो गया था, जज्बाती। ना वो जी डिकॉक था। ये होता है हल्के आदमी को बुलाने का नतीजा, 3 आउट हो चुके हैं मकरम, चलो ये हाईलाइट दिखा रहे हैं ये लोग। जी हाँ ये चौथी विकेट, ये बताएं रिवर्स स्वीप खेल रहे हैं, सीधा खेला नहीं जा रहा, रिवर्स खेल रहे हैं। और ये इसके बाद 5वां आउट हुआ ये, और छठा खिलाड़ी कैसे आउट हुआ था, बोल्ड हुआ बोल्ड था हो गए छठा थे। खिलाड़ी, बहुत ही गंदा बोल्ड हुआ था जेनसन नासिर। हमने बहुत कोशिश की कि गेस्ट तब्दील कर लें, लेकिन ये जाने को तैयार ही नहीं है, लंबी कर रहा है, बिला वजह चिपक के बैठा हुआ है। असरफा चौका लग गया है, क्या समझते हैं इस बार क्या होगा आगे? बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, लेकिन डिपेंड ऑन दिस विकेट, इफ दे टेक दिस विकेट, सो नाउ यू आर ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश अगेन, या आई या ट्राई, आई एम ट्राइंग, नॉट ट्राइंग, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। या हाँ उमर इफ अकमल इज योर फ्रेंड, उमर अकमल इज बेस्ट फ्रेंड, या दैट्स व्हाई, नॉट माय फ्रेंड, इज बेस्ट फ्रेंड, दैट्स व्हाई यू बोथ हैव सेम लेवल ऑफ इंग्लिश, या या बिकॉज हॉलैंड ऑडियंस वाचिंग, वी स्पीक ओके, इंग्लिश। हाँ या ए फॉर एप्पल, ऑल ऑल यूरोप फॉलो योर चैनल, एंड आई एम सेइंग फॉर माय बॉटम माय हार्ट, प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड सपोर्ट। पूरा यस बोल नाजीन। दिया। हाँ जी हाँ, ये हमारा चैनल है, इसको लाइक करें, शेयर करें, हाँ सब्सक्राइब करें, हम आपको वैसे ही बताते रहेंगे। हमारा इरादा है वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन के ऊपर रोजाना तकरीबन लाइव बैठने का, मैचेस में तबसरा करने का, हमारे कीमती तबसरे, हमारी एक्सपर्ट राय, हमारे ओपिनियन को यकीनन आप जानना चाहेंगे, तो हम इस सिलसिले में आपके साथ रोजाना ही जुड़े रहेंगे। इस वक्त जो है तकरीबन 29 ओवर हो चुके हैं, 139 रन का स्कोर है, 6 खिलाड़ी आउट है, मिलर और उनके साथ एक और खिलाड़ी है, क्या नाम है दूसरे का कुछ मार्करम कुछ ऐसे ही था। नाजीन, ये देख रहे हैं। ये हमने क्रिकेटर बुलाया था कि इसको क्रिकेट की नॉलेज होगी, कुछ नहीं पता, सब कुछ हमें खुद बताना पड़ा, अल्लाह माफ करे, इतना बुरा दिन किसी पे ना रहा है। बताएं जरा, अच्छा इस हाँ बॉलर का नाम बता रहे बिना देखे, आप वेंडर मेरी, अभी पढ़ा है? हाँ तो पढ़ा है, आंखें तेज होनी चाहिए मैं ना, इसीलिए पढ़ा दिमाग है भी तेज अभी, होना चाहिए, आदमी एकदम यूं करके शार्प करके एक पकड़ ले। शार्क माइंड है फिक्स। साउथ अफ्रीका फिक्सचर्स, ये साउथ अफ्रीका के वो बता रहे थे कि पहले कहाँ कहाँ चौक कर चुके हैं। ये हाँ टी क्योंकि ट्वेंटी का फाइनल कौन हारा था? अरे T20 का फाइनल पाकिस्तान हारा था, जो इंग्लैंड से, इंग्लैंड में जो हुआ था। नहीं, मेरी मालूमात के मुताबिक, मेरी याददाश्त में तो नहीं आ रहा कि हम इंग्लैंड से खेले हो फाइनल, इंग्लैंड से कब खेले, हम अभी श्रीलंका से टी फाइनल खेले थे एशिया कप T20 का। अरे T20 वर्ल्ड कप, बावली आदमी क्या हो गया टी इनको? ट्वेंटी के वर्ल्ड कप में हमने कब खेला इंग्लैंड के साथ फाइनल? फाइनल हम खेले इंग्लैंड के साथ, अरे भाई अभी जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था चाचा, 2022 में, जिसमें हम कटने वाले थे।
क्या हो गया, कुछ याददाश्त है या नहीं है? नासिम बिल्कुल मेरा दिमाग से स्किप हो चुका है ये वर्ल्ड कप, हम दोबारा कल होमवर्क करके आएंगे इस बारे के अंदर। और इन्होंने एक बिल्कुल ये गैर जरूरी बात करी, उस वर्ल्ड कप का इससे ताल्लुक ही नहीं, हम 2023 के वर्ल्ड कप की बात जरूरी कर रहे हैं। ताल्लुक है, अभी मैं आपको ताल्लुक बताता हूँ। उसमें नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया था, ऑडियंस देख रही है, जितने सारे लोग बोल रहे हैं मुझे सेकंड करेंगे, अगर साउथ अफ्रीका हारता नहीं नेदरलैंड से तो पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा के फिर वो आगे की तरफ चला गया था सेमीफाइनल पर, सेमीफाइनल में हरा के फिर फाइनल में खेला था, ये ये हुआ था। मैं इस मैं तरह ये के बोल तरीके रहा को हूँ, क्रिकेट मानता ही नहीं कि ये हराएगा तो वो हराएगा तो हम जीतेंगे, अपना जीतना चाहिए, वो तो बात दूसरी टीम बिल्कुल की सही है, डिपेंडेंसी लेकिन पे क्या बैठे हुए। पाकिस्तान की तारीख ही यही है, नहीं नहीं हम तो तारीख ऐसे ही खेलते हुए आए हैं अच्छी कि खिलाड़ी हमने तारीख अपने बदल देते खिलाड़ी, हैं। अम्माएं मुसल्ले पे बैठी होती है, जब उनका लड़का खेल रहा होता है परफॉर्मेंस तो हमारी टकेगी है नहीं, बफर जोन के लड़कों को दबा के रखोगे तो यही होगा भाई, बफर जोन से ही असल सोना असल टैलेंट बफर तुम जोन के अंदर छुपा सारे हुआ। 11 मैं लड़के तो बफर कहता जोन से निकलते पेट्रोल हैं पेट्रोल भी वहीं पे छुपा हुआ है, आप लोगों को पता ही नहीं है, कपियाला होटल पे। बिल्कुल ऐसे ही पड़ा। प्यारा होटल से याद आ गया, लड़के मैसेज कर रहे हैं, चाचा जानी आ जा, हाँ तो निकलो फिर, तुम मैच छोड़ो, मैं कर लूंगा अकेला ट्रांसमिशन। नहीं तो देखे कमिटमेंट भी कोई चीज होती है, पैसे हलाल करता हूं मैं अपने पूरे, नहीं जो पैसों की तो टाइम दिया बात ही नहीं हुआ हुई है हमारी, खुदा की कसम पैसों की कोई बात ही नहीं तू हुई। तो कहाँ है पैसे? आसरे पे हुआ था, बिल्कुल आश्रय पर रही है। हाँ बिल्कुल, मतलब कोई जबानी ऐसा कलामी ना जबानी हो कलामी, गया, पैसों की बात ही नहीं हुई बाद में हमारी, ना क्या भूल बात है जाओगे, पैसों फोन की? नहीं उठाओगे मेरा, बिल्कुल नहीं उठाएंगे फोन मैं हम, क्यों बाहर उठाएंगे निकले तो तुम्हारा? ना नंबर बताता हूँ लॉक चाचे, करेंगे तुम्हारा हम। हाँ जिस जिस बाहर नंबर तो से करोगे निकले तो सारे ना नंबर बताते लॉक हैं करेंगे तुम। ये आप भी। देखो ये डीकॉक है, ये बेचारा परेशान बैठा हुआ है, कुछ चबा रहा है, देख लीजिए कुछ चबा नहीं रहा, ये काट रहा है, ये इसकी याददाश्त चली गई बेचारे की। ये देखो जिस तरह से टीम खेलती है ना, इसका नफसियाती असर आता है, साइकोलॉजिकल बिल्कुल प्रेशर ऐसे, होता है खिलाड़ियों पर, तुम समझ रहे हो? बिल्कुल ऐसे ही तुम्हें क्या है, लगता है इफ्तिखार बूढ़ा है? इफ्तिखार जवान आदमी है, सिर्फ बिजली के बिलों ने उसको बूढ़ा कर दिया। बाल भी कसम उड़ा खुदा दिए की 22 साल का लड़का है वो, लेकिन 22 साल बिजली के का, बिल उसके इतने आए, इतने ज्यादा 42 साल का लग रहा होता हफ्ता है वो। इतवार निकाल के 22 साल का है, नहीं, वाकई में तुम्हें बता रहा हूँ, इफ्तिखार चाचा वो क्या बोलता है बाबर को? रातें बाबर निकाली भाई नहीं बोलता तब है भी वो, 22 का है, इफ्तिखार बाबर को बाबर भाई बोलता है, रिजवान को रिजवान भाई बोलता है, क्यों वो बोलेगा वो? ये खुदा बड़ी उम्र का लड़का कसम, छोटे लड़कों को भाई थोड़ी बोलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल यंग ऐसे, आदमी, बिल्कुल यंग आदमी, बेचारा परेशानी, डिप्रेशन, जॉबलेस होने की वजह से बिल्कुल परेशान हो बिल्कुल गया वो। बिल्कुल, क्या सीढ़ियां बांट बांट के सारा फसल में घूम घूम के थक गया है, कोई कुछ नहीं उसको होता। कॉल सेंटर में भी नौकरी नहीं मिल रही, देखिए क्रिकेटर जो होता है ना, खाली ऐसा आपको नजर आ रहा होता है कि यहाँ पे फ्रेश आके खेल रहा है, उनकी जिंदगी में बड़े दुख होते हैं, आपको बिल्कुल क्या ऐसे, अंदाजा? ये हॉलैंड की टीम आपको लग रहा है यहाँ खेल रही है, इनके घर में कोई दुख नहीं होगा? बिल्कुल ऐसे ही है, अरे बिल्कुल भाई मुल्क वहां पर ये यहाँ खेल रहे हैं, पीछे वहां कोई रॉबरी चल रही होगी, लोगों ने के कुछ भी कर अपने लेते हैं। क्राइम होते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यकीन सही बात है, लेकिन ये सनबॉन्ड सूंघने वाला, पेट्रोल वाला सूंघने वाले क्राइम हमारे यहाँ ही होते बिल्कुल ऐसे ही है, हैं। पेट्रोल निकाल लिया, चोरी कर लिया, हाँ, स्नैचिंग कर ली, आपने इसमें नीचे बाइक के पेट्रोल पे लॉक लगाया था, हम पेट्रोल पे लॉक नहीं लगाया था, लगाना चाहिए था आपको, परसों आपको की देखना बात चाहिए है, किसी सारे ने फैसल में, पेट्रोल, सारे फैसल में पेट्रोल चोरी होता है। ओहो जी हाँ, ये आपको ख्याल रखना चाहिए था इन चीजों का। ये चले, अब दोबारा दिखा रहे अल्लाह हैं ये, देखिए तवक्कल आ गए, एक्साइटेड कल हो से, जाना तुम ये हाँ फिर। हाँ दिखा रहे, दिखते वो ये देखो। असल में नीचे झलकियां भी नहीं लिख रहे ना, हाईलाइट तो वो नहीं ऐसे तो ही ये आ रहा स्मार्ट तेज तेज, ऑडियंस होती है ना, वो समझ जाती है कि क्या झलके हैं और क्या लाइव है। हाँ कट टू कट अगर आ रहा है इसका मतलब हाईलाइट्स है, हाँ फॉरन बॉलर रनअप पे जा रहा है, लंबा स्टार्ट ले रहा है, इसका हाँ मतलब ये लाइव चल रहा है मैच, हाँ और कैरेक्टर से निकल जाते हो तुम बार बार। मैंने तुम्हें देखा अभी अच्छा अच्छा 2-3 दफा, हाँ हंस रहे हो, हाँ, पागल तो नहीं हो तुम? नहीं तो सरफराज क्या हंसता नहीं अपनी नहीं जिंदगी में, सरफराज नहीं भूत हंसता, बना बैठा रहता है, हमेशा गालियां गलो उछकाता रहता है, यार क्या बातें नहीं कर रहे हैं सरफराज, यार, सरफराज के इंसान मामले के में बच्चे हैं हम आप भी जब यार, आप हमें भी दबे हो, जज्बात आपसे है, हो नहीं रहा, आप ओरिजिनल की टेक कर रहे हो, आप हमें भी ओरिजिनल पे जज्बात इल्जाम है, लगाना शुरू हो गए यार, आप तब बहुत चीज भड़क ओरिजिनल बुला गई। लेते ना, तुम लोगों का पैसा ही नहीं था, बुला लेते, बुलाते बिल्कुल बुला लेते ओरिजिनल को, बुलाते एक सरफराज दिन, एक दूसरे दिन तीसरे दफा बुलाते, बैठा हुआ है। बाकी दिन वो अकेले कर रहे होते, नहीं इतना नहीं बजट नहीं होता है नहीं उसका, सरफराज का कोई इतने बजट नहीं, सरफराज तो आ कितने जाता है, वो जो चौके वाला ऐड कर लिया तो हमारे पास भी आ जाता है, ऐसी क्या बात हाँ थी? मुझे बताओ चौके वाले ऐड ने कितने दे दिए होंगे पैसे? 40-50 हज़ार, ज्यादा बोल दिया आपने, ज्यादा बोल दिया, कम में हुआ था वो 18-1900, 18-1900 में? माई हाँ गॉड, सरफराज जी बेचारा जब से टीम से बाहर हुआ है हालात पतले हो गए उसके। बहुत पतला हो गया, हाँ महंगाई भी, वो बुरा भाई मिलर एक और चला मिलर गया चला दिया, मिलर भाई, चला गया लपेट नाजमीन, दिया मैच और नाजमीन निकाल साउथ दिया, अफ्रीका के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है ये आखिरी रिकग्नाइज बैट्समैन था जो आउट हो गया है, डिकॉक नाखून चबाते हुए। जी हाँ डिकॉक, अब सोच रहे हैं कि जो साउथ अफ्रीका में इन्हें गालियां पड़ेंगी, गंदी गंदी गालियां, उन गालियों का ये कैसे जवाब देंगे? और अब अलग उन्हें अलग बताए, जबान में हाँ देंगे, और ये 2023 का दूसरा बड़ा अपसेट होने जा रहा है, और तारीख गवाह रहेगी कि वो लो हमेशा आएगा की तरह फिर से साउथ अफ्रीका ने चौक कर दिया है, तो इसके बारे में क्या नाजिन, कहेंगे, बहुत अच्छा बोल गया है, साउथ अफ्रीका की टीम में से ये तो खुशकिस्मत ऐसे है। स्टार्क विस्टार्क हो गए, ये ग्लेन मैकग्रा की तरह की टक्कर के गैस बॉलिंग करा रहे हैं, क्या नहीं, है, मेरा ख्याल यह है कि इंडिया के अंदर आईपीएल वगैरह बहुत ज्यादा होते रहते हैं, और आईपीएल के अंदर भी आपने देखा बड़े आइडियल मैचेस होते हैं, आखिरी 5 बॉलों पे 5 छक्के लग गए, आखिरी 3 बॉलों पे 3 छक्के लग गए हैं, भाई 3 लगातार आउट हो गए, ये बड़ी फिल्मी सिचुएशन होती है। मेरा आईपीएल पे हमेशा से डाउट रहा है कि इसमें फिक्सिंग होती है, तो हाँ इस वर्ल्ड कप में भी मैं समझता हूँ कि ये फिक्सिंग का कोई खेल है। अफगानिस्तान जैसी टीम जीत गई और आज नेदरलैंड जीत रहा है,
बिल्कुल अंधी मची हुई है, ये फिक्सिंग हो रही है, सट्टे का भाव ऊपर लेके नीचे जा रहे हैं ये लोग, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये यश राज की फिल्म की तरह कभी इसके रेट बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आपको अगर लगता है सीधी ये सट्टा हो रहा है यहाँ पे मैच नहीं, फिक्स मुझे है? लग नहीं रहा हाँ लेकिन बू आ रही है। वो आ रही है ना जी। ये किस तरह के क्रिकेटर हैं, ये मेरिट पे देख ही नहीं रहे। नीदरलैंड की सारी मेहनत को इन्होंने सट्टे की नजर कर दिया, ये समझ रहे हैं कि ये मैच तो फिक्स है, आपने ये जैसे देख। अफगानिस्तान पे इल्जाम लगाया, अबे यार उनके अरे पास मैं राशिद चेक कर खान रहा है, था, उनके पास मुजीब। अच्छा क्या चेक कर रहे थे मैं ये मुजीब? चेक मैं कर भूल रहा था जाओ कि क्या तुम, मुझे चेक कर हाँ रहे थे, बिल्कुल क्या चेक कर मेरे रहा था मैं साथ तुम्हें, बिल्कुल चेक मोबाइल करना मेरी था, मैं चार्जिंग ना जी खत्म मैं हो इसी गई ये है चेक क्या, कर मेरा रहा था। टच खराब हो गया, चेक कर रहे थे। अल्लाह माफ करे ना जी, मैं ये चेक कर रहा था कि आदमी अपने स्पोर्ट्स से कितना सिंसियर है। बिल्कुल सिंसियर नहीं है, इसने फौरन अपने साथी खिलाड़ियों पर इल्जाम लगा दिया कि मैच फिक्स हो रहा है, टूर्नामेंट फिक्स हो रहा है। बीसीसीआई मैंने भले किया इंडिया का बोर्ड है लेकिन है तो क्रिकेट का बोर्ड है भाई, क्रिकेट खेल रहा है, आईपीएल जो भी है टूर्नामेंट है, उसके ऊपर इस तरह से शक की निगाह से देखना ये अच्छी बात नहीं। मैंने सिर्फ चेक किया था नाजिम, ये खुल के सामने आ चुका है, दो तीन चार तरीकों से मैं इसको क्रॉस चेक कर चुका हूँ, लेकिन हमेशा मायूसी का सामना करना नहीं पड़ा है नहीं हमें। मैंने ऐसे बोला ही नहीं ना। और आपने ये ये चीज नोट करिए, साउथ अफ्रीका, हॉलैंड, नेदरलैंड, इन जैसी टीमों के अंदर कई खिलाड़ी पाकिस्तान से होते हैं, कई खिलाड़ी इंडिया से होते जी हैं। जी न्यूजीलैंड की टीम में भी इवन वो कौन है वो रविचंद चंद्रा, वो हाँ भी उसकी इंडियन ही अलग बैकग्राउंड है कहानी है, वो। हाँ आपको उसकी कहानी पता मैंने नहीं सुना है। राहुल और अब सचिन के नाम से लिया है, बिल्कुल राहुल से रा लिया, सचिन से एग्जैक्टली चिन लिया, राचिन। मैं भी अमेरिका की टीम से खेलूंगा, अमेरिका की टीम से आप खेलेंगे मेरा एतमाद उड़ गया है किससे? मेरे पूरे बोर्ड से, सिस्टम से। हर बंदा कह रहा है, हर चैनल पे आप जाके देख लें, हर बंदा ये कह रहा है कि भाई कप्तान जो है वो माना, बाबर आजम प्लेयर अच्छा है, कप्तान है घंटे ही करता है वो, एक घंटे करता कप्तान कप्तानी। ना उसमें सेंस नहीं है, लड़कों को कैसे चलाना है, अपने ही बंदे जो है ना वो ये माफ ओवर हो करे, जाते हैं, ओवर हो जाते हैं। नहीं लड़के क्या है, इन्होंने चलाना है क्या मतलब है आपका? लड़के चलाना है, लड़के लड़ चलाने का मतलब समझते हैं आप? कितनी बेहुदा बात की आपने। अरे आपका दिमाग हमेशा वही रहता है, मैं किसी और सेंस में बात कर रहा था, लड़के किसे चलाने का मकसद है उनको किस वक्त किस बॉलर को किस पे किस वक्त लगाना है, कब फील्डिंग अंदर लेनी लेनी है, कब सर्कल से बाहर खिलाड़ी निकालना है, कबर में या उस पे कबर, कबर नहीं बोला मैंने, कवर ये बोला। सब कोच वोच नहीं करते क्या? ये ये सब कप्तान कोच की जिम्मेदारी कोच होती है। तो अजीब बयान कह रहे हैं, कोच ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है वो आईसीसी का टूर्नामेंट तो लग नहीं रहा, ये तो बीसीसीआई का टूर्नामेंट लग रहा है, क्योंकि किसने बोला ये? ये मिक्की माउस ने बोला है। मिकी ऑथर? फिर हाँ दोबारा आपने कंफ्यूज ऑथर करना नहीं में है शुरू। वो नहीं नहीं लेखक नहीं है, वो लेखक नहीं है राइटर लेकिन नहीं वो है मिकी वो। माउस भी नहीं है वो। हाँ मिकी माउस बोले जा हाँ रहे हैं आप, उसको इतना बड़ा खिलाड़ी है वो, वहां पर कि वो हमारा हरकतें कोच है उसकी वो। हैं, वो वहां पे बैठ के वो ये तासुबी बातें कर रहा है। आपको पता है आईसीसी ने उसके खिलाफ भी जो है वो एक्शन ले लिया है मिकी ऑथर के खिलाफ। अच्छा हाँ ये जी, बयान क्यों लेना बनता था? बिल्कुल वो बनता था, वहां क्या पे बैठ के अहमखाना बोल बात रहा की है उन्होंने? भाई तू प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आके ये बता के पाकिस्तानी टीम घटिया क्यों खेली, तू ये बता, तू ये बोल रहा है कि यार वहां के वो नहीं, बीसीसीआई मेरे का ख्याल में टूर्नामेंट पाकिस्तानी टीम जो है ना प्रेशर में आ गई। हाँ मुझे बताएं, डेढ़ प्रेशर लाख में तो बंदा रहती आपको है, गालियां कब दे रहा है, जलाते आप हैं कैसे लोगों खेलेंगे? को। आप 150 बंदा आपको गालियां दे रहे, बता रहा हूँ आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। बिल्कुल, 1.5 लाख बंदा गालियां दे रहा है, उसके बावजूद और टीम ने ऐसी इसको मान गंदी कर रन गंदी कर दे लिया। रहे हैं, सेंसर भी एक चीज होती है, सही वो बात है। तो दिखा दिया कि कुछ कह रहे थे लेकिन नहीं बहुत सी इंडियन ऐसी से, इंडियन से ये नीच पने का मुकाबला करना ही नहीं चाहिए। आपको पता है मौका मौका वाले इन्होंने पूरे कमर्शियल बनाए थे, पूरी सीरीज बनाई थी इन्होंने, बिल्कुल ऐसा ही है ना, है। क्योंकि वो हमें तपा रहे थे बार बार, फिर हराया था 10 विकेटों से पाकिस्तान ने, हाँ बिल्कुल उसके बिल्कुल, बाद फिर माशाल्लाह हम ही आ रहे हैं, एक ही हाँ मैच जीते हैं बस, ये ख्वाब अभी की भी तरह मैंने था। देखा था वो, हाँ आपने आखिरी मौका वाला ऐड नहीं देखा शायद, वो हाँ फिर बंदा, आया, हाँ, वो बंदा फौत हो जाता है, ओ माय गॉड। वो मौका वाला अच्छा बंदा फौत हो गया, ऊपर से दुआ कर रहा था शायद मेरे बच्चा जीत जाए, अच्छा जिस लड़के को पाकिस्तानी दिखाते हैं वो मर चुका है? वो मर चुका है, वो हेवन से ओहो वो दुआ कर रहा है कि इस बार शायद वर्ल्ड कप में हरा दे 50 ओवर के, हाँ, लेकिन वैसे वो ख्वाब 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 आठ ही रहे। वर्ल्ड कप के अंदर हम हार चुके हैं, 8 वर्ल्ड कप का बदला अगर हम लेंगे कम से कम भी हमारी जिंदगी तो निकल जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही। हम अच्छा तो आप अपनी इस बारे जिंदगी में ये बताएं, इवेंट नहीं मतलब कर पाएंगे। आप अपने, आप भी कभी जवान तो होंगे ना, बिल्कुल जी जी तो बिल्कुल बिल्कुल। आप इस एज में आ गए हो, अब क्या क्या आपको लगता है कि हम लोग जो है वो भारत को हरा सकें, वो समीत भी हमने। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप वनडे इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स देखें पाकिस्तान और इंडिया के हेड टू हेड, तो पाकिस्तान ने ज्यादा वनडे जीते हैं। ये तो वर्ल्ड कप में आके जैसे साउथ अफ्रीका चोक कर जाता है, इस तरह पाकिस्तान इंडिया के आगे चोक कर जाता है, और यहाँ पे हो सकता है कि इनको अच्छे पैसे मिलते हैं, ये भी इम्कान है, अब मैं भी आठ के बोलूंगा, आठ मैचेस आ फंसाने की जाना। कोशिश कर सकते हैं, आप देखें आप बिल्कुल, नहीं कर रहे हैं इस तरह की बातें। 63 बॉलों पर 99 रन चाहिए नाजीन, लग नहीं रहा है कि बना पाएंगे ये, बहुत मुश्किल हालात हैं। और इन हालात के साथ ही नाजीन मुझे लगता है कि ये मैच हॉलैंड ही जीतेगा, अगर यहाँ से साउथ अफ्रीका जीत गया तो नाजिन ये कल शेव करके आएगा, ये इसने इसकी नाक कटने वाली बात हो जाएगी अगर साउथ अफ्रीका जीता, लेकिन मुझे लग नहीं रहा लेकिन साउथ सपोर्ट ये अफ्रीका कर रहे जीत हैं, पाएगा। शर्ट उनकी ये पहन के हैं, बातें ऐसी कर रहे हैं।
नहीं देखिए, मैं तो इसलिए सपोर्ट कर रहा था क्योंकि हम पहले पेपर पे चलते, पेपर के अंदर साउथ अफ्रीका की टीम तगड़ी थी तो मुझे लगा साउथ अफ्रीका जीतेगा, पेपर इसलिए मैंने पेपर साउथ क्या करना अफ्रीका है की यार, पकड़ी। पेपर पे तो होमवर्क होता है, होमवर्क, ये बड़ी टीम बड़े लोग जो होते हैं पेपर ना पे वो किसी होमवर्क और पे करके तो फिर काम करते हैं। इस्तेमाल होता है यार अब। नाजिन ये बफर जोन के लड़के हैं, ये वही वाली बातें कर रहे हैं जो कच्ची ग्राउंड के अंदर होती है, उसी तरह की बातें हैं ये, वहां से कच्ची ग्राउंड से याद आया, वहां पे लाशें भी मिलती थी एक जमाने में, अब मिलती है लाशें वहां से, हाँ मेरे जैसे मामू रहते हैं ना वहां पे, मेरा चक्कर लगा तो रहता है। प्याला होटल के पीछे ही है ना वो ग्राउंड, तो कच्ची ग्राउंड वहां नहीं है भाई, कहाँ है क्या कच्ची ग्राउंड? कच्ची ग्राउंड वो गोली मार के आगे नहीं यहाँ पे क्या है, प्याला के पीछे कौन सा ग्राउंड है? आरजीबी, वही है हाँ आरजीबी कच्ची ग्राउंड, ग्राउंड, वहां कहाँ पहुंच गया हाँ आप। नहीं कच्ची ग्राउंड तो वहां था पार्क कॉलोनी, हाँ मार्बल की दुकानें हैं यहाँ पर, हाँ हाँ बिल्कुल तो ऐसे यार, वहां, जो आप जौहर से बाहर निकले तो आपको पता चले ना। अरे जौहर जो है मिनी मिनी ऐसे कराची मिनी पाकिस्तान है, इस तरह जौहर मिनी कराची, यार कौमियत के लोग वहां आबाद अच्छा है। वो जो नया अंडरपास बनाया है हाँ उसके बारे में आप क्या कहते हैं? अंडरपास तो अच्छा बनाया है लेकिन वहां ना वो रोड की जगह उन्होंने मैं टाइल लगा आपके दिए हैं। आपके पास आया था मिलने, वहां पर टप 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 मैं ऐसी भी गाली लेके चला गया गलती से टप फैमिली टप को टप बिठा टप के, टप टप टप, ऐसी वाइब्रेशन थी यार वेटम लिसनिंग करें, टप टप टप। यहाँ यूं मैं लग रहा था टायर में हवा कम है पंचर ना हो जाए, हाँ अल्लाह ने बड़ा कर्म किया हम वहां तो से ये निकल आए। वो इंजीनियर कहाँ, ये बेसिक्स है, मतलब ये बेसिक को छोड़ो, मैं बेसिक्स तो ये सोच रहा हूँ कि अंडर पास इतना छोटा सा था इतना लंबा क्यों बना दिया, बहुत ज्यादा भाई कट ही नहीं आ रहा था। खांचे होंगे। 100 रुपए का पेट्रोल खर्च करके तो मैं कट लेके आपके पास आया था, तो तुम तो बेवकूफ आदमी वहां से कहां से आ रहे थे, तुम्हारा घर तो मेमार में, नहीं मैं घूमते फिरते आ रहा था ना। बताओ जरा। अजीब बेवकूफ आदमी नाजिन, ये दत्त हैं बॉलर, इन्होंने 5 ओवर किए, एक मेडन किया इन्होंने नाजिन, इससे अच्छा पहले ये किया दत्त दत्त, जो है ये बड़ा इंस्पायर है संजय दत्त से, हाँ सुनील दत्त, सुनील दत्त, संजय दत्त और सुनील ये दत्त मेरा तो फेवरेट तेज एवरेज दत्त, एक्टर थे, ये संजय दत्त से बड़ा इंस्पायर है। सुनील दत्त, अरे ये एक और आउट नाजिन, ये बॉल खड़ी कर दी हाँ है लॉबिन एक आ बार गई है, फिर, कीपर लो बॉल भाई गली और लपेट कैच कर दिया। लिया, 8 खिलाड़ी आउट नाजरीन आज नाजिन, ये मैंने आपको बोला था ये कोई बहुत जी बेस्ट कोई जी ने भी आउट कर दिया है और ये मुझे लग रहा है कि 90 रन के आसपास के स्कोर से हारने वाला है साउथ अफ्रीका, बहुत बेइज्जती हो जाएगी नाजीन अगर ये मैच मैं देखता हुआ हारा, तो मैं इस वक्त आपसे इजाजत चाहूंगा और आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इसके अलावा हमारा चैनल लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, कल से 8:30 बजे हर मैच पर लाइव तबसरा करेंगे, हमारी कीमती महाराणा राय का मुझे पता है आप लोग मुंतजर हैं और यकीनन हम आपको महसूस करेंगे। सरफराज खुदा हाफिज बोल दीजिए, आपका पहला और आखिरी शो था, इंशाल्लाह कल नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप इस चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, यानी कि घंटे को। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।